हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यार आज हम बात करते हैं यूके में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। ठीक है, बात करते हैं प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस की, कैसे होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे कि आपके सामने भी मेरी स्क्रीन है और आप देख पा रहे होंगे, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे जाकर टाइप कर देना है अप्लाई प्रोविजनल लाइसेंस यूके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ये टाइप कर देंगे, सबसे पहले जो लिंक आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। और नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कैसे आपको स्टार्ट करना है, यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल एक ईजी सी प्रोसेस है। यहाँ पे आप रीड करेंगे कि पहले आपका कभी प्रोविजनल लाइसेंस इश्यू हुआ है ग्रेट ब्रिटेन का, नहीं हुआ तो नो पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका एड्रेस क्या है। डेफिनेटली आपका एड्रेस यहाँ पे इंग्लैंड है तो आप इंग्लैंड सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप स्कॉटलैंड वेल्स है तो आप वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिएगा। इसी डिवाइस में कर रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल में हो जाएगा कंटिन्यू। ये पूछ रहा आपको कि आप यूके के अंदर 185 दिन से ज़्यादा रहेंगे, तो आप यस करेंगे क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप रहेंगे। फिर वो पूछता है कि क्या आप 12 महीने कहीं बाहर रहे हैं यूके से, तो आप यहाँ पे यस नो जो भी आपका है स्टेटस यस कर देंगे। इंडिया से है तो इंडिया से, अगर किसी और कंट्री है तो आप अपनी कंट्री यहाँ पे डाल देंगे। मैं इंडिया से हूँ, मैंने इंडिया डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछते हैं कि क्या आप कभी ड्राइविंग लाइसेंस में डिस्क्वालीफाई वगैरह हुए हैं, तो नहीं हुए हैं कभी भी, तो नो करके आप कर देंगे कंटिन्यू। फिर वो पूछता है कि आपकी आई साइट्स वगैरह स्टैंडर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड है, यस करके कंटिन्यू कर देंगे। ये आपसे पूछता है, इसे इग्नोर कर दीजिएगा, कुछ नहीं है। कि आपको कोई इसमें से सिम्टम्स वगैरह है तो आप डेफिनेटली इग्नोर कर दीजिएगा, नो करेंगे इसको और इसके बाद कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो अभी वो आपने एक आइडेंटिटी कंफर्म करता है, कुछ नहीं है, सिंपल सा सीधा आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो यहाँ से वो आपकी ईमेल आईडी आपसे पूछेगा। ठीक है, ये आपको डालना कंपलसरी रहेगा दोस्तों। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, ईमेल आईडी के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी मांगा जाता है। ठीक है, ओटीपी बेसिकली क्या रहता है, आपका एक अकाउंट कंफर्म, आपका एक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए रहता है। जैसे आपको ओटीपी आता है, आप यहाँ पे एक बेसिक सा मतलब अपना ओटीपी डाल दीजिएगा। ठीक है, ओटीपी के बाद यहाँ पे दिखाता है मोबाइल नंबर, ऑप्शनल है, बट यार ऑप्शनल नहीं है, आपको ये कंपलसरी डालना पड़ता है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू कर देंगे, आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो यार ये आपका ओटीपी आ गया, आपने ओटीपी डाल दिया। अब इसके बाद ये आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा कि भाई अभी आप अपने यहाँ पे मिडिल नेम आपका कोई है तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप अपना यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू करते हैं आपसे यहाँ आपका एड्रेस मांगा जाएगा कि किस एड्रेस पे आप रहते हैं। आपको सिंपल सा पोस्ट कोड डालना है, पोस्ट कोड डालने के बाद आपका एड्रेस को खुद ही फैच कर लेगा। आपको बस यहाँ पे पुल अप कर रही हैं डिटेल्स कि ये वाले एड्रेस पे भाई मैं रहता हूँ। जैसे डालेंगे एड्रेस दिखा देगा, कंटिन्यू कर देंगे। फिर वो पूछेगा कि भाई कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे हो, तो जितने भी मतलब जितने भी टाइम से आप उस एड्रेस पे रह रहे हो डाल के कंटिन्यू कर दीजिएगा। अभी ये वाला स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पहले वाला आपका एड्रेस है वो कहाँ पर था। ठीक है, तो ये वाला आप कर देंगे कन्फर्म एंड कंटिन्यू। अभी वो पूछते हैं कि जब आप यहाँ पे व्हाट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यू हैव, बीआरपी अपने पास है, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, क्लिक कर दिया। फिर वो पूछते हैं कि जब इंडिया से अप्लाई करे थे या कहीं से भी अप्लाई करे थे, आपने बीआरपी यूज किया था, नहीं यूज किया था, मतलब डिजिटल सर्विस नहीं। अब यहाँ पे ये देखो, ये हमने अभी तक किया जो भी था जैसे मैंने बताया, अब करेंगे अप्लाई यूजिंग ओल्ड पे। यहाँ दोस्तों आपका प्रोविजनल लाइसेंस वो एक्चुअल में अप्लाई होगा। सिंपल सा नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, फिर से नेक्स्ट क्लिक कर देंगे, सिक्योरिटी फॉर डाटा वो कह रहे हैं, नेक्स्ट क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो ये दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा कन्फर्म बता देता हूँ यहाँ पे। अब मैं अपनी स्क्रीन को एक मिनट आपके लिए होल्ड कर देता हूँ, ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखो यार, स्टूडेंट के मन में या किसी के भी मन में डाउट क्या रहता है, भाई मेरे पासपोर्ट पे तो लास्ट नेम नहीं है, मेरे पासपोर्ट पे एक ही में लिखा हुआ। जैसे मैंने अभी एक अप्लाई किया था एक दोस्त का, उसका नाम था दमनीत सिंह, सिर्फ फर्स्ट नेम में लिखा हुआ था, लास्ट नेम उसका कुछ नहीं था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल सा फर्स्ट नेम में आप अपना पहला नाम डाल देंगे, लास्ट नेम में आपका सिंह लड़की है तो कौर, अगर जैसे मैं हूँ मेरा चंद्र मोहन है तो फर्स्ट नेम में मेरा चंद्र चला जाएगा और सर नेम में मेरा चला जाएगा मोहन। होप करता हूँ यार ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो यार एक बात ये, जिस पे आप देख पा रहे होंगे ना, ये यहाँ पे ये बने हुए हैं तो वो चीज़ें कंपलसरी होती हैं और सरनेम आपका कंपलसरी है डालना। तो कई बार स्टूडेंट या कोई भी जो अप्लाई कर रहा था वो सोच के कि भाई मेरे पासपोर्ट पे तो सरनेम नहीं है,
मैं कैसे अप्लाई करूँ, तो कोई डरने की बात नहीं है भाई, आप डेफिनेटली आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आप फिर यहीं पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एक बार डाल देंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप डालते हैं तो फिर आपको अपनी कंट्री चूज करनी है। कंट्री जैसे ही आप चूज़ कर देंगे तो वही सिंपल सी स्टेप, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये एक सिंपल सा पहला स्टेप आपका रहता है, जो हमने पहले किया था। पोस्ट कोड दोबारा डालेंगे, आपका जो भी आपका एड्रेस रहता है वो आपने यहाँ पे डाल दिया, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आप अपना एड्रेस पिकअप करेंगे कि कौन से एड्रेस पे आप रहते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना एड्रेस यहाँ पे पिक करेंगे, उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर देंगे। बस यही है यार, बेसिकली आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है अपने डिटेल्स सिलेक्ट करके। ये आपका एड्रेस दिखा देगा आपको ये यहाँ पे, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक रहता है यार, कि कुछ एक मतलब हल्का सा वो रहता है इश्यू। पहले ये कि कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, जितना भी रहता है आप वो टाइम यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट रहता है वो यहाँ पे पूछता है आपको, आपको 3 साल की हिस्ट्री देनी है। तो 3 साल की हिस्ट्री कैसे देंगे, यहाँ तो नहीं रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप नेक्स्ट करेंगे ना तो आपको रेड में दिखा देगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे ऐड न्यू एड्रेस, यूके में नहीं था तो अदर वे नॉन जीबी, मतलब कि नॉन ग्रेटेन ब्रिटेन का एड्रेस यहाँ पे आप एंटर करेंगे। तो कंट्री आप सिलेक्ट कर देंगे आपके जो भी है, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। और यहाँ पे क्या रहता है, जिस दिन आप इंडिया में आए, मतलब यूके के अंदर आए ना, उससे पहले आपका जितने भी टाइम आप इंडिया में रहे, जब से आप पैदा हुए ना, पैदा होने से यूके में आने तक के टाइम को आप छोड़ दीजिएगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, तो वो आप देखिए यहाँ पे एक मिनट, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं वो पूछते हैं कि आप कितने टाइम इंडिया में रहे हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से यूके आने का टाइम तक यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। मैंने एज एन एग्जांपल डाल दिया जो भी था, तो वो अभी नेक्स्ट कर देंगे तो वो आपकी हिस्ट्री यहाँ पे पिकअप कर लेगा। ये एक सिंपल से यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक रहती है, उसको फिर आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। जो नंबर आप करंट में यूज कर रहे हैं वो वाला नंबर डाल दीजिएगा, यूके का नंबर, ठीक है। और उसके बाद वही आपका जो सरनेम है वो डाल दीजिएगा। मदर मेडन का नेम रहता है, मतलब कि जो आपके मम्मी हैं उनका जो सरनेम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ मोहन डाल रहा हूँ एज एन एग्जांपल, बट आप जो आपके मम्मी का नाम है वो डालेंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये कंपलसरी होती हैं सारी चीज़ें डालने के बाद। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूके में सबके पास होता है NI नंबर भाई, जिसके इतना सारा होता है भाई। NI नंबर क्या होता है, NI नंबर क्या होता है, कहाँ यूज होता है, तो भाई आपका जब आप प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करते हो यहाँ यूज होता है NI नंबर, ठीक है। ऊपर भी सेम डालना है, रीटाइप योर NI नंबर। और एक भाई ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना मैनुअली टाइप कीजिएगा यहाँ पे, ताकि आपका NI नंबर गलत ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे शायद कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे आज जस्ट फॉर शो, बट आप मैनुअली टाइप कीजिएगा दोनों में, ताकि जो आपका NI नंबर है वो गलत ना हो। अभी आप उसको नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यार जो आपके पास पेज ओपन होता है वो दिखा रहा है कि पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो यूके पासपोर्ट नंबर है, वो आपके पास नहीं है, तो नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक कर देंगे तो वो आपसे पूछता है, हैव यू लिव्ड इन अनदर कंट्री, यस हम रहे हैं अनदर कंट्री में, जो भी कंट्री में आप रहे हैं वो आपसे नेक्स्ट पूछेगा। डिस्क्वालीफाई हुए हैं, नहीं हुए हैं, नो क्लिक कर दीजिएगा। अभी पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री में आप रहे हैं, जिस भी कंट्री में आप हैं सिलेक्ट कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे कि व्हाट डेट डिड यू कम टू लिव इन द यूके, जिस डेट पे आपको अराइवल है ना यहाँ पे, कि अराइवल की स्टंप आपकी लगी है, वो वाली डेट आपको यहाँ पे एंटर करनी है, ठीक है। जैसे आप वो वाली एंटर कर देंगे, मतलब यूके में स्टैंप लगा है कि आपका इमिग्रेशन क्लियर हुआ है, वो वाली डेट मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। लीगल मतलब कि आई साइट आपकी ठीक है, यस, ग्लासेस पहनते हैं तो यस, नहीं पहनते हैं तो नो कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ये पेज को आपको कुछ नहीं करना है, इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली इग्नोर करने के बाद सिंपल सा आके भाई आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा रहता है भाई, देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं कि जैसे फर्दर इन्फॉर्मेशंस पे ऑर्गन डोनेशंस वगैरह को लेके, तो उस पर आपको इतना कन्फ्यूज नहीं होना है। दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, यस आई वांट टू ज्वाइन NHS, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। सेकंड ऑप्शन जो था, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर माई DBLA, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उस पर करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको आपकी ईमेल आईडी मांगी जाती है। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल सी प्रोसेस है,
ईमेल आईडी डाल दिया आपने, उस ईमेल आईडी को दोबारा से डाल दीजिएगा रीकन्फर्म के लिए, उसके बाद कर दीजिएगा आप नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करते हैं, आपको डिक्लेयर करना है जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह वो मैंने राइट दिए हैं, और डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन से एक बार चेक कर सकते हैं बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। उसके बाद आप कर दीजिएगा नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या रहता है, जैसे आप अप्लाई करते हैं आपको सिर्फ सिंपल यहाँ पे आपके कार्ड की डिटेल्स डालनी है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और जैसे आप पे नाउ करेंगे आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपका जो लाइसेंस है वो अप्लाई हो चुका है, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये है आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस। ऑफलाइन अगर आप ये करते हैं, ऑनलाइन में आपको अप्लाई करने में लगे 34 पाउंड, आपको स्टैंडर्ड डिलीवरी होती है उसमें आपके 2 से 3 पाउंड सिर्फ आपके लगते हैं, वो अगर आप ऑप्ट करते हैं तो मतलब आप 37 + 3 और 4 लगा लीजिए, 34 + 2-3 पाउंड ऊपर लगा लीजिए, 37 और 8 पाउंड में आपका जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो अप्लाई हो जाएगा। हावेवर एक सेकेंड होता है वो सुपीरियर डिलीवरी रहती है, वो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको 14 से 16 पाउंड लगते हैं और वो आपका ऑन एन एवरेज 50 पाउंड में आपका अप्लाई हो जाता है। अगर आप ऑफलाइन ये प्रोसेस करते हैं तो आई गेस आपको 62 या 63 पाउंड पे करने रहते हैं। तो ये एक डिफरेंस रहता है ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई करने में। है जो वो हम ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपने पास एक ऐसा फॉर्म आ जाता है दोस्तों विद इन 1 वीक के अंदर आपके पास घर पे। ये देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है, तो हमारे केस में दोस्तों हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जैसे कि हैं, तो हमारे यहाँ पे BRP जो होता है ओरिजिनल BRP इसके अंदर पैक होके वो जाता है। और इसके अंदर देखते हैं दूसरा फॉर्म क्या है, तो एक ये है दोस्तों, ये यहाँ पे दोस्तों देखिए जो BRP है वो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इसके अंदर एक फॉर्म आता है यार, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने में और ऑफलाइन अप्लाई करने में इसके अंदर आपके जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी प्रिंट होकर आती है, और जो आप ऑफलाइन अप्लाई करते हैं इसी में जैसे हमारे पास ये फॉर्म आ गया ना, तो इस फॉर्म के आने के बाद आपको बेसिक से यहाँ पर एक यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी होती है, देख सकते हैं इसका फेस जो होना है आपके साथ आपको फेसिंग करता होना चाहिए फ्रंट साइड में, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे दोस्तों बेसिक से आपको डेट लिखनी है जिस डेट पे आपको BRP सबमिट करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका जो BRP का नंबर है वो आएगा, बस ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपको डालनी होती हैं, और इसके सिवाय इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। फिर इसको पैक करके एंड बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इसके अंदर इसको प्रॉपर डाल के ये सारी चीज़ें आप इसको पोस्ट करवा सकते हैं। तो बेसिक सा जैसे आप ये पोस्ट करवा देते हैं उसके बाद 1 से 2 वीक के अंदर आपका जो है वो प्रोविजनल लाइसेंस घर पे आ जाता है। एंड मैं आपको ऑफलाइन फॉर्म भी दिखा देता हूँ, ये तो हो गया ऑनलाइन फॉर्म का, ठीक है। और ये दोस्तों अपने पास रहता है ऑफलाइन, अगर आपको अप्लाई करना होता है BRP ऑफलाइन में क्या रहता है, देखो सेम ही प्रोसेस होती है बेसिकली। यहाँ पे जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं हम सारी चीज़ें ना यहाँ पे फिल कर देते हैं कि आपका फर्स्ट नेम, सरनेम, आपका एड्रेस, आपको आई साइट वगैरह कैसी है, ये आई साइट वगैरह का हो गया, ठीक है। और हमारी पर्सनल डिटेल्स, व्हाट आर यू अप्लाइंग फॉर यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो चिपकती है, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने में आप यही सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल कर देते हैं, एंड ऑफलाइन अप्लाई करने में आप सारी मैनुअली फिल करके एंड इसको करके पैक इसके अंदर डाल के, और ये एक आता है स्पेशल डिलीवरी गारंटीड बाय रोल मिल, एंड यहाँ पे आप इसे फिल कर देते हैं।